आज मैं आपको पल्सर N160 का दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, जो ये है कि इसका रियर का सस्पेंशन काफ़ी टाइट रहता है, जिससे ब्रेकर आने पर बहुत ज़्यादा झटका लगता है। तो आप इस सस्पेंशन को सबसे मिनिमम पे आप सेट करवा लीजिए, जिससे सस्पेंशन लूज जाएगा और झटका नहीं लगेगा। झटकों की वजह से कमर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। और दूसरा एक इसमें कमी है कि पुराने पल्सर में यहाँ पर आपको एक सेंसर मिलता था जो टर्न इंडिकेटर सेंस करता था। टर्न इंडिकेशन, जैसे आप टर्न लोगे वो सेंस करता था, तो टर्न इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाता था। लेकिन इसमें बंद नहीं होता है, तो कई बार लेफ्ट में टर्न दिए हैं और राइट में जा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए आप एक टर्न इंडिकेटर का बजर लगवा लीजिए। वो कहाँ लगता है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इसके लिए आप इसके रियर सीट को खोलेंगे, यहाँ से खुलता है, इसके रियर सीट को खोलेंगे, रियर सीट को खोल कर फिर निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका टर्न इंडिकेटर का रिले लगा रहता है, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए। और मैंने इसमें लगवा लिया है तो आपको नहीं दिखेगा, तो ये इस रिले इसमें लगता है। इसके वायर को छील करके यहाँ साइड से घुसा करके आप इसको लगा लेंगे, तो आपको टर्न कैसे मालूम पड़ता रहेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।